कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी दिन भर के बिजी शेड्यूल से समय निकालकर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर सीरपुर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण देवालय मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद दोनों सुरंग टीला और तीवर देव विहार घूमने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने तीवर देव विहार के पास पटेल परिवार से भी मुलाकात की। बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 1700 साल पुराना है। गौरतलब है कि सीरपुर महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान का प्राचीन नाम शीरपुर है। यहाँ कभी एक विशाल नगर हुआ करता था। सीरपुर 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कोसल की राजधानी थी। सीरपुर में सांस्कृतिक और वास्तु कौशल की कला का अनुपम संग्रह है। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ भी पाए जाते हैं। यह स्थल वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध संस्कृतियों का केंद्र रहा है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। जानकारी के अनुसार 15वीं सदी में महानदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिस कारण पूरा क्षेत्र डूब गया था, लेकिन ये मंदिर तब भी सुरक्षित बच गया था। इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान विष्णु का है, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा में लक्ष्मण जी 5 फन वाले शेषनाग पर विराजमान हैं। राहुल और प्रियंका ने बड़ी बारीकियों से इस मंदिर को देखा। दरअसल शनिवार को सुबह महाधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन हुआ। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के संविधान में कई बड़े संशोधनों के प्रस्ताव पर फैसला हुआ। इसी बीच महाधिवेशन से एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए राहुल और प्रियंका घूमने चले गए। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गए थे। राहुल और प्रियंका के लक्ष्मण मंदिर के दर्शन के साथ ही अब इस मंदिर की अनोखी मान्यता की चर्चा होने लगी है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।